अस्सलाम नाज़रीन, आपका मेज़बान जैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरे पीछे इमरान खान साहब की जो गाड़ी है वो आना शुरू हो चुकी है। इमरान खान साहब को 9 से ज्यादा केसेस में इमरान खान साहब को आज हफाजती जमानत जो है वो मिल चुकी है और बाकी केसेस जो इस्लामाबाद में पेंडिंग थे उनमें भी इमरान खान साहब को जो है वो लाहौर हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। कारकुनान का जोश देख सकते हैं, पुलिस की गाड़ियां यहां पर मुख्तलिफ जो शहरी दूसरे शहरों से इमरान खान साहब के प्रोटेक्शन के लिए आए हुए थे वो तमाम तर जो कारकुनान थे वो इमरान खान साहब के साथ लाहौर हाईकोर्ट पहुँचे हुए थे, लेकिन अब तमाम कारकुनान जो है वो लाहौर हाईकोर्ट से वापस इमरान खान साहब की रिहाइश का जमान पर पहुंच रहे हैं और तमाम तर जितने भी कारकुनान हैं उनका जोश जज्बा और वल्ला आप देख सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे, उनकी फैमिलियां और साथ ये नन्नी मुन्नी बच्ची आपको फ्लैग लहराती हुई नज़र आ रही होगी मोटरसाइकिल पे। साथ ही साथ अगर मैं दिखा सकूं तो लाहौर जमान पार्क के सामने जो रोड है वो भी बिल्कुल रवा दवा चल चुका है। सीनियर क्यादत में ये जो गाड़ियाँ गुजरी हैं इनमें सीनियर क्यादत में असद उमर, हमाद अजहर, उसके अलावा असद कैसर और बाकी तमाम जितने भी लीडरान हैं वो भी इसमें मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर कारकुनान की जो बड़ी तादाद है वो भी यहाँ पर मौजूद है। अगर देखा जाए तो मीडिया की गाड़ियाँ भी साथ साथ जो है वो चलती नज़र आ रही हैं। दूसरी साइड पर अगर मैं दिखा सकूँ तो यहाँ पर खाने का भी इंतज़ाम किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कारकुनान यहाँ पर आएंगे उन तमाम को यहाँ पर खाना जो है फराहम किया जाएगा। ये तंदूर लगाया गया, तंदूर के ज़रिए जो है वो तमाम कारकुनान को खाना दिया जाएगा। लेकिन अभी भी जो गाड़ियां हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के साथ लाहौर हाईकोर्ट गई हुई थी वो तमाम तर गाड़ियां जो वो अब वापस आ रही हैं और वापस जमान पार्क पहुंच रही हैं। यहां पर आटा बना हुआ देख सकते हैं आप और आटे के पेड़े भी बेले जा रहे हैं। आटे के पेड़ों के साथ तंदूर में लगी हुई रोटियाँ जिनको बड़े अच्छे तरीके से लगाने के बाद जो है वो टब में डाला जा रहा है और टब में इनको सेव किया जाएगा, उसके बाद कारकुनान में जो है वो तकसीम की जाएंगी। दूसरी जानिब जो है वो जमान पार्क के सामने जो रोड है वो बिल्कुल खुल चुका है और आम शरा के लिए भी वो इस्तेमाल हो रहा है। जी बिल्कुल, ये वही रोड है जो कि कुछ दिन पहले मैदान जंग बना हुआ था और यहाँ पर पुलिस की जानिब से शेलिंग की जा रही थी और कारकुनान की जानिब से भी जवाब में पत्थर जो है वो बरसाए जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मौसम जो है वो चेंज हो चुका है। बिल्कुल जो है वो हर तरह की रुकावटें जो वो हटा दी गई हैं, कारकुनान के चेहरों पर खुशी आ गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को आज 9 केसेस में लाहौर हाईकोर्ट से जो है वो हफाजती इस जमानत मिल चुकी है और तमाम तर कारकुनान जो है वो उनके चेहरे एक दफ़ा फिर खिल उठे हैं और अपने कप्तान इमरान खान की मोहब्बत के लिए तमाम तर कारकुनान जो है वो जमान पार पहुंच चुके हैं और मुख्तलिफ यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं वो भी अपने अपने कैंप्स में यहाँ पर मौजूद हैं और उसके अलावा यहाँ पर खाने के लिए रोटी का बंदोबस्त किया गया है, तंदूर लगाया गया है, तंदूर के साथ साथ यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के जो खाने हैं वो फराहम किए जा रहे हैं। सालन भी है, साथ रोटियाँ भी लग रही हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर मैं दिखाता चलूँ तो मीठे के लिए यहाँ पर जलेबियाँ जो है वो थोड़ी ही देर में तैयार होने वाली हैं। थोड़ी ही देर में यहाँ पर जलेबियाँ बनेंगी और जलेबियाँ बनने के बाद वो भी खिलाई जाएंगी कारकुनान को खुशी के लिए। लेकिन अगर यहाँ पर मैं दिखा सकूँ तो पुलिस एहलकार जो है वो भी बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, जिसमें अलीट फोर्स हैं और दूसरे जवान वो भी बड़े खुश नज़र आ रहे हैं यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ जफियाँ डाल के मिल रहे हैं। इसकी कुछ ख़ास वजह तो समझ में नहीं आ रही, लेकिन क्या वजह है ये तो इन्हीं को पता होगा। कुछ 2 दिन से यहाँ पर पुलिस जो है वो बिल्कुल भी एंटर नहीं हो सकती थी, उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में और गम में नज़र आते थे, जिसकी वजह से वो जैसे ही पुलिस को देखते थे और उस पर अटैक कर देते थे या फिर पुलिस की तरफ से जो है वो शेलिंग का जो है वो सिलसिला जारी हो जाता था। लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के दरमियान पुलिस की गाड़ियाँ भी मौजूद हैं, लेकिन कारकुनान कोई भी इस तरह की हरकत नहीं कर रहे जैसे उनको करनी चाहिए थी। यहाँ पर आज फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को आज रिहाई मिल चुकी है। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे पुलिस वाले भी बहुत ज़्यादा खुश हैं और इस मामले में पुलिस वाले भी जो है वो खान के सपोर्टर्स नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जैसे एलीट फोर्स के दोनों यहाँ पर डाले यहाँ पर खड़े हुए और जवान। अच्छा मेरी बात सुनो, क्या कहते हैं ये भाई? हमारे कोई मसला नहीं है, ये छोटी छोटी बातें इनकी
कोई गल नहीं, ये भी खुश है, मार सकते ने बस और कुछ नहीं कर सकते। तो कोई नहीं, जो साड़ी बारी आनी ना असीं इंज कर, अल्लाह खैर करेगा, ये मार सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। मेरा नहीं बल्कि इनका कहना है, ये साहब जो जा रहे हैं सामने और एलीट फोर्स के जवान यहाँ पर इनको मिल कर गए हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ आपको अपडेट करता रहूँगा, अपने मेज़बान जैन बाबू को दीजिए इजाज़त, देखते रहिए उर्दू, ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ आपको अपडेट करता रहूँगा, देखते रहिए मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आला निगेवान।